आज के इस प्रस्तुति में हम गुरुदेव के श्रीमुख से प्राप्त हुए दुर्लभ ज्ञान को साझा करने जा रहे हैं। यदि आपने नवदुर्गा के पिछले भागों को पूर्णतः नहीं देखा है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपया आप हमारे पूर्व भागों को देखने के पश्चात ही आज के इस भाग को देखें। आज का यह भाग तनिक विस्तार से निर्मित किया गया है, आता हम आपसे विनती करना चाहेंगे कि इसे संपूर्ण रूप से देखें। नवरात्रि शक्ति आराधना का महोत्सव। आज यह उत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है और भारत के अतिरिक्त संयुक्त अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया सहित विश्वभर में इस उत्सव का एक अलग उन्माद रहता है। अनेक दर्शकों ने हमसे यह प्रश्न किया है कि नवरात्रि का महत्व क्या है, हम इस उत्सव को क्यों मनाते हैं। इसके उत्तर स्वरूप गुरुदेव हमें बताते हैं कि माँ के गर्भ में 9 मास निवास के पश्चात हम भूमिष्ठ होते हैं। पिताश्री के आत्मा के अंश को धारण कर ब्रह्म बीज माता के गर्भ में अपना गृह निर्माण करने जाता है, जबकि माता की ममता एवं प्रेम के इंटों से यह शरीर निर्माण होता है और प्राणवायु हमारे भूमिष्ठ होते ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्राण सार्वभौमिक आद्याशक्ति है जो इस नश्वर शरीर को जागृत करती है। यह नासिका और मुख के माध्यम से प्रवेश करती है जो नवद्वार का एक अंग है। हमने गुरुदेव से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आपने कहा कि हमारी आत्मा हमारे पिता के आत्मा का अंश है और आपने यह भी कहा था कि आत्मा ही ईश्वर है, तो आत्मा का अंश होते होते क्या यह क्षीण नहीं हो जाता है? गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम गणित जानते हो? हमने उत्तर दिया, हाँ। तो शून्य से शून्य को घटाने से क्या प्राप्त होता है? आत्मा तो तटस्थ निराकार एवं शून्य है, उसमें योग वियोग तुम जो चाहे कर लो, उत्तर शून्य ही आएगा। हमने गुरुदेव से पुनः प्रश्न किया, अच्छा गुरुदेव, मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया हमें यह बताएं कि पितृ पक्ष एवं देवी पक्ष इतना पावन क्यों है? इस समय तपस्वी सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना एवं व्रत क्यों करते हैं? यह नवद्वार क्या है एवं साधना कैसे किया जाता है? गुरुदेव कहने लगे, वेदों के अनुसार हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। पितृपक्ष एवं देवी पक्ष के दौरान एक उच्च कोटि का भक्त या साधक प्राण रूपी माँ जगदम्बा को समझने के लिए घोर तपस्या करता है। पितृपक्ष में वह पुरुष अर्थात आत्मा से प्रार्थना करता है और देवी पक्ष में वह प्रकृति अर्थात प्राण शक्ति की आराधना करता है। तो इसे ऐसा समझो कि पितृपक्ष एवं मातृपक्ष में यह नश्वर शरीर अंतर में बसे आत्मा एवं प्राण शक्ति की आराधना करेगा। संक्षेप में एक साधक को अपने मानस तत्व अर्थात इस नश्वर शरीर, प्राण तत्व अर्थात हमारी श्वास एवं आत्म तत्व अर्थात निराकार आत्मा को एक साथ जोड़ना होगा। योगिक मार्ग में इसे हम योग कहते हैं। ये तीनों तत्व इस सृष्टि के सृजन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रकृति ने इन तीन तत्वों के घटकों को विभाजित कर नव कोशों के अंदर छिपा दिया है, जिसे नवनिधि भी कहा जाता है। यहाँ नव कोश का अर्थ है 9 डिब्बे, जो इस देह रूपी डिब्बे के भीतर रहता है। सिद्धि प्राप्ति के लिए एक साधक को इन तीन तत्वों के सभी घटकों को अर्थात नवनिधियों को ढूंढना होगा, उसे एकत्र करना होगा, उसके पश्चात उसे योग प्रक्रिया द्वारा जोड़ना होगा। परंतु इसके लिए उसे नव मात्रा, नव द्वार एवं नव पुरुष को पूर्णतः समझना होगा, अन्यथा वह यह कार्य कभी नहीं कर पाएगा एवं एक भ्रष्ट साधक बनकर आजीवन भटकता रहेगा। हमने गुरुदेव से पूछा, नव मात्रा, नव द्वार एवं नव पुरुष क्या है? गुरुदेव ने कहा, नव मात्रा तुम्हारे भौतिक शरीर के 9 अंग हैं, नव द्वार तुम्हारे प्राण के 9 द्वार हैं और नव पुरुष इस शरीर के अंदर एवं बाहर रहने वाले अविनाशी आत्मा के 9 स्थिति है। साधक इन्हें समझने के पश्चात योग साधना एवं ध्यान द्वारा इन सभी तत्वों को संयुक्त करने का प्रयास शुरू कर सकता है। यह तीन तत्व जब एकाकार हो जाते हैं तभी इस अंतिम तत्व को परम तत्व के नाम से संबोधित किया जाता है। यही परम सिद्धि है। पितृपक्ष एवं देवी पक्ष सिद्धि प्राप्त करने का एक उत्तम समय होता है। आश्विन मास के समय प्रकृति अपना पूर्ण स्वरूप दिखलाता है
चारों ओर एक दैवीय ऊर्जा संचारित होता है। यह ऊर्जा प्राण शक्ति को प्रबलता देती है, जिससे ध्यान एवं साधना में मन स्थिर रहता है, और इसीलिए योगिक मार्ग में नवरात्रि का इतना महत्व रहता है। पूर्व प्रस्तुति में हमने जाना था देवी भगवती के तीन स्वरूपों को, और आज के इस भाग में हम जानने वाले हैं देवी के अंतिम तीन स्वरूपों को। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए हम आज के इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। नवदुर्गा में सातवीं स्वरूप है मां कालरात्रि। मां कालरात्रि आदि पराशक्ति की रौद्र स्वरूप है। उनका सर्वप्रथम उल्लेख देवी महात्म्य में किया गया था। अधिकांश लोग मां काली एवं मां कालरात्रि को एक ही देवी सोचते हैं, हालांकि ये दोनों देवी आदि पराशक्ति की दो भिन्न अभिव्यक्ति हैं। जहां मां काली महाविद्या में प्रथम स्वरूप है, वहीं नवदुर्गा में सातवीं स्वरूप है मां कालरात्रि। गुरुदेव के अनुसार मां काली महाविद्या के साथ साथ अष्ट मातृकाओं में चामुंडा के नाम से भी विख्यात है। चंड मुंड का वध करने के पश्चात मां काली को चामुंडा के नाम से संबोधित किया जाने लगा, जबकि महादेवी अंबिका ने शुंभ निशुंभ वध हेतु मां कालरात्रि का स्वरूप धरा था। महाभारत के सौप्तिक पर्व में भी मां कालरात्रि का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, वराह पुराण एवं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उनका उल्लेख किया गया है। मां कालरात्रि का स्वरूप। शास्त्रों में मां कालरात्रि को श्यामवर्णा एवं अति भयानक स्वरूप में चित्रित किया गया है। अनेक लोग श्यामा काली को मां काली का रूप मानते हैं, परंतु मत्स्य पुराण में मां कालरात्रि को श्यामा के नाम से संबोधित किया गया है। गुरुदेव के अनुसार कालरात्रि वास्तव में भोर से पूर्व उस भीषण श्यामवर्ण आकाश के भांति है, जो भक्तों के मन में ज्ञान प्रकाश के सूर्योदय का घोषणा करती है। वे चतुर्भुजा शक्ति स्वरूपा है, अर्थात उनके चार हाथ हैं। वे बाएं हाथ में खड़क एवं वज्र धारण करती है, और उनके दाहिने हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में रहता है। वह अपने ऊपरी शरीर पर लाल वस्त्र पहनती है और कमर के नीचे बाघ की खाल पहनती है। उनके घने केश सर्वदा उन्मुख रहता है, जो उनके इस दिव्य स्वरूप को और भी भयावह बनाता है। वे कंटक आभूषिता है, अर्थात वे कांटों से निर्मित अलंकार को धारण करती है। उनके वाहन के रूप में गधे को चित्रित किया जाता है। मां कालरात्रि को कराल वदना, धौमी, श्यामा, रौद्री, धूमोर्णा, मुक्त केशी और शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। मां कालरात्रि के भैरव है कालाधर महादेव। मां कालरात्रि की पूजा से पूर्व कालाधर महादेव की पूजा अति आवश्यक होती है। उनके बिना मां कालरात्रि की पूजा असंपूर्ण मानी जाती है। मां कालरात्रि की प्रवृत्ति। मां कालरात्रि की उपासना से भक्तों के समस्त भय दूर हो जाती है। इनकी भक्ति से ज्ञान, आरोग्यता, बल एवं मोक्ष प्राप्त होता है। वे अपने भक्तों की अंतर आत्मा को साहसी एवं आत्मविश्वासी बनाती है। वे अति उग्र स्वभाव की है, परंतु अपने भक्तों के लिए वे सर्वदा सौम्य रूपा रहती है। इनकी साधना से साधक मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वे काल स्वरूपा है एवं संतुष्ट होने पर वे आयु, आरोग्यता, शत्रु नाश एवं मोक्ष का वरदान देती है। उन्हें आदि पराशक्ति की रौद्र कोटि स्वरूप में वर्णित किया गया है। मां कालरात्रि की साधना एवं पूजा विधि। गुरुदेव कहते हैं कि मां कालरात्रि मन के अंधकार को नाश कर देती है। इनकी भक्ति से भक्तों को परम ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। वैदिक ज्योतिष अनुसार न्याय एवं काल चक्र संचालन करता शनि देवी कालरात्रि द्वारा शासित होता है। अर्थात इनकी पूजा करने से शनि के किसी भी बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि इनकी पूजा करने से शनि साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। इनके पूजार्चना से गृहस्थ प्राणियों को सुख, समृद्धि, धन, शत्रुनाश, ज्ञान एवं आत्मबल प्राप्त होता है। साधक इनके साधना द्वारा अपने चित्त शक्ति को वश में कर सकते हैं।
माँ कालरात्रि ज्ञान प्रकाश की स्रोत है। हमारे शरीर में उनका वास सहस्रार चक्र में है। धैर्यता के गुण के साथ वे तत्वों में धनी है और वे ही भेदों में आत्मशक्ति है। साधना विधि। गुरुदेव के अनुसार साधक को 20 मंत्र ओम ह्रीम क्री क्री हुम का जाप करते हुए नवरात्रि के सप्तम दिवस के मध्यरात्रि से यह साधना प्रारंभ करना चाहिए। उसे अपना प्राण केंद्र सहस्रार चक्र पे स्थित करना चाहिए। सहस्रार चक्र पे अपने प्राणवायु को एकत्रित कर अपने प्राणामृत को अभिसंसती प्रणाली द्वारा सहस्रार चक्र पर एकत्रित करने के पश्चात साधक अपने सहस्रार चक्र को दृक् प्रणाली से उन्मुक्त कर सकता है। यह साधना सप्तचक्राप्तु अर्थात देह में स्थित 7 चक्रों को उन्मुक्त कर साधक के शरीर को दैविक ऊर्जा के साथ जोड़ देता है, जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। गुरुदेव के अनुसार यही नवनिधि में शंख निधि है, जिसे प्राप्त करने के पश्चात साधक दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्वयं को जोड़ लेता है एवं उसे अपने चारों ओर केवल शंखनाद की गूंज सुनाई देती है। वो एक गंभीर समाधि में चला जाता है, जिसे आत्मपाक भी कहा जाता है। पूजा विधि। गृहस्थ मनुष्य माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना प्रत्येक शनिवार कर सकते हैं। ओम देवी कालरात्रि नमः को 101 बार जाप करते हुए शिवलिंग अथवा माता के मूर्ति पर जल से अभिषेक करें एवं नील कमल जबा अथवा हरसिंगार की माला से उन्हें श्रृंगार करें। इसके पश्चात जबा अथवा हरसिंगार के पुष्प से पुष्पांजलि प्रदान करें एवं उनके समक्ष अपने कामनाओं को प्रकट करें। इससे आपकी सकल कष्ट दूर होगी और दीर्घायु आरोग्यता शत्रुनाश एवं आत्मबल प्राप्त होगा। माँ कालरात्रि का सिद्धि क्षेत्र। माँ कालरात्रि का मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसके अतिरिक्त उनका एक भव्य मंदिर बिहार के नयागांव में स्थित है। नवदुर्गा में 8वीं स्वरूप है माँ महागौरी। माँ महागौरी आदि पराशक्ति की सौम्य स्वरूप है। चंद्र शोभा युक्त अत्यंत उज्जवल वर्ण होने के कारण माता के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से संबोधित किया जाता है। देवी महात्म्यम के अनुसार जब सभी देवताओं ने मिलकर अपने शक्तियों को एकत्रित कर आदि शक्ति महामाया को स्मरण किया था, तभी सहस्र कोटि सूर्य समान उज्जवल स्वरूप में महादेवी प्रकट हुई थी। उनके इस दिव्य स्वरूप को देख कर इंद्र ने उन्हें महागौरी के नाम से संबोधित किया था। माँ महागौरी का स्वरूप। शास्त्रों में माँ महागौरी को उज्जवल श्वेतवर्णा एवं अति सौम्य स्वरूप में चित्रित किया गया है। वे चतुर्भुजा शक्ति स्वरूपा है, अर्थात उनके 4 हाथ हैं। वे बाएं हाथ में डमरू को सुशोभित करती है एवं दूसरे बाएं हाथ को वर मुद्रा में रखती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल रहता है एवं दूसरे दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती है। वे श्वेत वस्त्र पहनती है एवं उनके मस्तक पे जटा मुकुट रहता है, जो उनके इस दिव्य स्वरूप को और भी करुणामयी बनाती है। वे श्वेत पुष्प आभूषिता है, अर्थात वे श्वेत पुष्पों से निर्मित अलंकार को धारण करती है। उनके वाहन के रूप में बैल को चित्रित किया जाता है और इसी कारणवश इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। माँ महागौरी को श्वेता क्षमाधात्री वृषारूढ़ा उज्ज्वला त्रिशूलिनी शंकरी और सनातनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ महागौरी के भैरव है गौरेश्वर महादेव। माँ महागौरी की प्रवृत्ति। माँ महागौरी को क्षमाधात्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे भूतकालीन पापों से अपने भक्त एवं साधकों को मुक्त कर देती है। माँ महागौरी शांति एवं धैर्यता का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों का मन एवं हृदय शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। वे अति सौम्य स्वभाव की है। इनकी साधना से साधक अष्ट विद्या को प्राप्त कर लेता है। वे ज्ञान ज्योति स्वरूपा है एवं संतुष्ट होने पर वे ज्ञान शुद्धि धैर्य एवं शांति का वरदान देती है। वे दयालु ममतामयी और करुणामयी है एवं अपने सभी भक्तों के समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। यह भी माना जाता है कि माँ महागौरी समस्त प्रकार के कष्ट एवं पीड़ा से मुक्ति प्रदान करती है। उन्हें आदि पराशक्ति की सौम्य कोटि स्वरूप में वर्णित किया गया है। माँ महागौरी की साधना एवं पूजा विधि।
गुरुदेव कहते हैं कि माँ महागौरी मन को शांति प्रदान करती है। इनकी भक्ति से भक्तों को परमानंद प्राप्त होता है। वैदिक ज्योतिष अनुसार शक्ति, समृद्धि, यश एवं बुद्धि के दाता राहु देवी महागौरी द्वारा शासित होता है। आथा इनकी पूजा करने से राहु के किसी भी बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि इनकी पूजा करने से महादशा एवं कालसर्प योग का प्रभाव कम हो जाता है। इनके पूजार्चना से गृहस्थ प्राणियों को सुख, समृद्धि, धन, दीर्घायु, आरोग्यता, शत्रुनाश, ज्ञान एवं शांति प्राप्त होता है। साधक इनके साधना द्वारा माया शक्ति को वश में कर सकते हैं। माँ महागौरी माया की स्रोत है। उनका वास सप्तचक्र से परे सोमचक्र में है। हम जानते हैं कि आप में से अधिकांश लोग सोमचक्र के विषय में नहीं जानते होंगे। यह विषय हमें भी ज्ञात नहीं था, परंतु गुरुदेव कहते हैं कि सहस्रार चक्र उन्मुक्ति के पश्चात सोमचक्र से सोमरस की वर्षा होती है, जो साधक को इच्छा मृत्यु एवं पूर्ण आरोग्यता देती है। धैर्यता के गुण के साथ वे तत्वों में ज्योति हैं और वे ही भेदों में माया शक्ति हैं। साधना विधि। पूर्व साधनाओं से साधक को सप्तचक्रापतु प्राप्त हो जाता है, अर्थात देह के सातों चक्रों को वह उन्मुक्त कर लेता है। परंतु यह साधना का अंत नहीं, बल्कि यही पराध्यात्मिक साधना शुरू होती है। गुरुदेव के अनुसार साधक को 20 मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम फुं का जाप करते हुए नवरात्रि के अष्टम दिवस के मध्यरात्रि से यह साधना प्रारंभ करना चाहिए। साधक को ऊर्ध्व सान्वीक्षा प्रणाली द्वारा अपने प्राण शक्ति को रेतस में बांधना पड़ता है। यह रेतस मूलाधार चक्र के चरखे के प्रयोग से ब्रह्मरेत सूत में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ रेतस का अर्थ है वीर्य, और इसी वीर्य में जब साधक अपने योगबल से प्राण शक्ति को बांधकर उससे एक ऊर्जा रूपी धागे में परिवर्तित करता है, तब उसे ब्रह्मरेत सूत कहा जाता है। इसके पश्चात साधक को अवसादन प्रणाली द्वारा सोमचक्र पे इस ब्रह्मरेत सूत को लेकर जाना पड़ता है, एवं अंत में नाभ प्रणाली द्वारा ब्रह्मरेत सूत के शक्ति द्वारा सोमचक्र को संचालित करना पड़ता है। जब यह चक्र स्वयं घूर्णन करने लगता है, तभी सोमरस की वर्षा होने लगती है। गुरुदेव के अनुसार यही नवनिधि में पद्म निधि है, जिसे प्राप्त करने के पश्चात साधक ब्रह्मांडीय अमृत का स्वाद चखता है एवं उसे परम शांति के साथ परमानंद प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में साधक अपने साधना से बाहर आना नहीं चाहता है। गुरुदेव के अनुसार हिमालय में ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो शताब्दियों से गहन साधना में लीन होकर इस अमृत को पान कर रहे हैं। पूजा विधि। गृहस्थ मनुष्य माँ महागौरी की पूजा अर्चना प्रत्येक शुक्रवार कर सकते हैं। ओम देवी महागौर्य नमः को 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग अथवा माता के मूर्ति पर जल से अभिषेक करें एवं नील कमल, मोगरा अथवा हरसिंगार की माला से उन्हें श्रृंगार करें। इसके पश्चात कमल अथवा हरसिंगार के पुष्प से पुष्पांजलि प्रदान करें एवं उनके समक्ष अपने कामनाओं को प्रकट करें। इससे आपकी सकल कष्ट दूर होगी और सुख, समृद्धि, धन, दीर्घायु, आरोग्यता, शत्रुनाश, ज्ञान एवं शांति प्राप्त होगा। माँ महागौरी का सिद्धि क्षेत्र। बिहार के गया धाम में माँ मंगलगौरी का शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माँ महागौरी को माँ मंगलगौरी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनका एक भव्य मंदिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा में भी स्थित है। इससे पहले कि हम महादेवी के अंतिम स्वरूप को प्रकट करें, हम आप सभी से एक याचना करना चाहते हैं। कुछ सप्ताह पूर्व हमने वैदिक गुरुकुल के लिए धन उत्थापन के प्रथम चरण को प्रारंभ किया था। हमने सुखद परिवेश, पर्वत, नहर एवं हरे भरे जंगल के साथ 30 एकड़ भूमि देखी है एवं हम अपने वैदिक गुरुकुल के लिए इस भूमि को अंतिम रूप देना चाहते हैं। परंतु हम आपकी सहयोग के बिना ऐसा नहीं कर सकते। कृपया इस भूमि की क्रय के लिए हमारे क्राउड फंडिंग अभियान का समर्थन करें। आपके सहयोग से हम खोए हुए वैदिक ज्ञान को जीवंत कर सकते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य के साथ साथ हम सत्य, संपूर्ण शिक्षा, संस्कार एवं सदाचरण भेंट कर सकते हैं। तो कृपया हमारी पहल का समर्थन करें। लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नवदुर्गा में नौवीं एवं अंतिम स्वरूप है।
माँ सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री आदि पराशक्ति की अति सौम्य स्वरूप है। गुरुदेव के अनुसार माँ कुष्मांडा रूपी हिरण्यगर्भ से महाविष्णु का आविर्भाव हुआ और महाविष्णु के नाभि से महाब्रह्मा अवतरित हुए। जब महाब्रह्मा को गहन ध्यान में माता कुष्मांडा द्वारा सृष्टि की संरचना करने का आदेश प्राप्त हुआ, तब वे विस्मित हो उठे। तभी महादेवी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप धर ब्रह्मदेव को दर्शन दिया था, जिस स्वरूप को देखकर ब्रह्मदेव ने नारी एवं पुरुष के अंतर को जाना एवं इस सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया। परंतु इस कार्य को पूर्ण करने हेतु महाब्रह्मा को ब्रह्म शक्ति की आवश्यकता थी। आता माँ जगदम्बा ने सिद्धिदात्री का रूप धरा एवं महाब्रह्मा को अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि के साथ साथ ब्रह्म शक्ति प्रदान किया। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को श्वेतवर्णा, आनंदमयी, सर्व सिद्धि प्रदायिनी एवं अति सौम्य स्वरूप में चित्रित किया गया है। वे चतुर्भुजा शक्ति स्वरूपा है, अर्थात उनके चार हाथ है। उनके दाहिने हाथ में गदा रहता है एवं दूसरे दाहिने हाथ में चक्र को धारण करती है। उनके बाएं हाथ में कमल सुशोभित करता है एवं दूसरे बाएं हाथ में शंख रखती है। इन्हें नीलोहिता के नाम से संबोधित किया जाता है, अर्थात वे बैंगनी वस्त्र पहनती हैं। उनके मस्तक पे वसु मुकुट रहता है, जो उनके इस दिव्य स्वरूप को और भी विस्मयकर एवं अतुलनीय बनाती है। वे रत्न आभूषिता है, अर्थात वे मणि माणिक्य एवं रत्नों से निर्मित अलंकार को धारण करती है। माँ सिद्धिदात्री को नीलोहिता, ब्रह्मेश्वरी, सिंहारोहिणी, सिद्धि, नारायणी, सर्वविद्या और श्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के भैरव है सिद्धेश्वर महादेव। माँ सिद्धिदात्री की प्रवृत्ति। माँ सिद्धिदात्री को सर्वज्ञान प्रदायिनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे अपने भक्त एवं साधकों को ब्रह्मज्ञान सहित सर्व सिद्धि प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री सर्व ज्ञान की प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की साधना करने से मनुष्यों को पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है। वे अति सौम्य स्वभाव की है, इनकी साधना से साधक अष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वे परब्रह्म स्वरूपा है एवं संतुष्ट होने पर वे ज्ञान, बुद्धि, सिद्धि, शांति एवं मोक्ष का वरदान देती है। वे दयालु, ममतामयी और करुणामयी है एवं अपने सभी भक्तों के समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। यह भी माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री समस्त प्रकार के समस्याओं से मुक्ति प्रदान करती है। उन्हें आदि पराशक्ति की सूक्ष्म कोटि स्वरूप में वर्णित किया गया है। माँ सिद्धिदात्री की साधना एवं पूजा विधि। गुरुदेव कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री मन एवं कल्पना के पहुंच से परे हैं। इनकी भक्ति से भक्तों को सर्व क्षेत्र में विजय प्राप्त होता है। वैदिक ज्योतिष अनुसार बुद्धि, ज्ञान, मर्मज्ञ, अंतर्दृष्टि एवं मानसिक क्षमताओं के दाता केतु माँ सिद्धिदात्री द्वारा शासित होता है। अतः इनकी पूजा करने से केतु के किसी भी बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि इनकी पूजा करने से महादशा एवं कालसर्प योग का प्रभाव कम हो जाता है। इनके पूजार्चना से गृहस्थ प्राणियों को सुख, समृद्धि, धन, दीर्घायु, आरोग्यता, शत्रुनाश, ज्ञान, शांति एवं मोक्ष प्राप्त होता है। साधक इनके साधना द्वारा माया शक्ति को वश में कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री सर्व सिद्धि रूपी परब्रह्म है। उनका वास सोमचक्र से परे पराबिंदु में है। हम जानते हैं कि आप में से अधिकांश लोग पराबिंदु के विषय में भी नहीं जानते होंगे। हमने भी इसे सर्वप्रथम गुरुदेव के मुख से ही सुना है। गुरुदेव कहते हैं कि सोमचक्र उन्मुक्ति के पश्चात ही साधक अपना ध्यान पराबिंदु में केंद्रित कर सकता है। विश्वभुक्ता के गुण के साथ वे तत्वों में परातत्व हैं और वे ही भेदों में पराशक्ति हैं। साधना विधि। गुरुदेव के अनुसार साधक को बीज मंत्र ओम का जाप अनाहत नाद के प्रयोग से करते हुए नवरात्रि के नवम दिवस के मध्यरात्रि से यह साधना प्रारंभ करना चाहिए। साधक को अभिसंसति प्रणाली द्वारा अपने तीनों तत्वों को अर्थात मानस, प्राण एवं आत्मा तत्व को एकत्रित कर विष्टम प्रणाली द्वारा इन्हें संकुचित कर एक बिंदु में परिवर्तित करना पड़ता है। जब साधक यह करने में सफल हो जाता है
तब उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता है, सब कुछ एक हो जाता है। गुरुदेव के अनुसार यही नवनिधि में महापद्म निधि है, जिसे प्राप्त करने के पश्चात साधक सृष्टि के सकल रहस्यों को जान लेता है एवं वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है। इस स्थिति में साधक इस सृष्टि के समस्त ज्ञान एवं दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति को परात्मानम कहा जाता है। गुरुदेव के अनुसार उन्होंने इस पद में अपने पूज्य आचार्य गुरु, नीति गुरु एवं सद्गुरु को देखा है। उनके अनुसार जो भी इस पद को प्राप्त करता है उसके लिए सिद्धाश्रम का द्वार खुल जाता है, क्योंकि सिद्धाश्रम में प्रवेश करने के लिए साधकों को सिद्धाई बनना पड़ता है, अर्थात साधकों को सर्वसिद्धि प्राप्त करना पड़ता है। पूजा विधि। गृहस्थ मनुष्य माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना प्रत्येक मंगलवार कर सकते हैं। ओम देवी सिद्धिदात्रय नमः को 1008 बार जाप करते हुए शिवलिंग अथवा माता के मूर्ति पर जल से अभिषेक करें एवं चंपा की माला से उन्हें श्रृंगार करें। इसके पश्चात चंपा के पुष्प से पुष्पांजलि प्रदान करें एवं उनके समक्ष अपने कामनाओं को प्रकट करें। इससे आपकी सकल कष्ट दूर होगी और सुख समृद्धि धन दीर्घायु बुद्धि ज्ञान मर्मज्ञ अंतर्दृष्टि एवं शांति प्राप्त होगा। माँ सिद्धिदात्री का सिद्धि क्षेत्र। माँ सिद्धिदात्री का सर्व प्राचीन मंदिर ओडिशा के संबलपुर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने देवी सिद्धिदात्री से दर्शन प्राप्त किया था। सांब ने माँ सिद्धिदात्री को माँ सांबलेश्वरी के नाम से संबोधित किया था, इसीलिए आज इस पावन भूमि को लोग संबलपुर के नाम से जानते हैं और सभी भक्त माता को माँ समलेश्वरी के नाम से पुकारते हैं। माँ सिद्धिदात्री का अन्य एक मंदिर मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। इसके अतिरिक्त उनका भव्य मंदिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल, बंगाल एवं ओडिशा में भी स्थित है। वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष में नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा अति धूमधाम से मनाया जाता है। नारी शक्ति एवं मातृ आराधना में सभी लिप्त हो जाते हैं, परंतु आज के इस युग में क्या हम वास्तव में नारी रूपी मातृ शक्ति आराधना करने योग्य है? गुरुदेव कहते हैं कि केवल एक मर्यादित पुरुषोत्तम ही शक्ति आराधना करने योग्य है, अर्थात एक ऐसा मनुष्य जो प्रत्येक स्त्री में देवी भगवती का रूप देखता है और जो माया में लिप्त होकर भी पुरुषार्थ का पालन करता है, परंतु किसी भी परिस्थिति में अपने पुरुषत्व के मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। केवल उनके बुलावे पर ही देवी महामाया प्रकट स्वरूप में दर्शन देती है एवं उन्हें बुद्धि सिद्धि निधि एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब अकाल बोधन किया था तभी माता जगदम्बा ने उन्हें प्रकट स्वरूप में दर्शन दिया था, ठीक वैसे ही सभी ऐतिहासिक शक्ति साधक जिन्होंने माता के प्रकट स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया था वे सभी मर्यादित एवं पुरुषोत्तम थे। शक्ति आराधना एवं पूजा से क्या लाभ होगा यदि नारियों के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा एवं सम्मान की जगह है केवल लोभ लालसा भोग विलास ने घर बांधा हो। नारी भोग की वस्तु नहीं, श्रद्धा एवं पूजा की योग्य है, वही प्रकट शक्ति स्वरूपा है। हमने गुरुदेव से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हम सभी तो माता के संतान है, हमारा मन तो माया में लिप्त है, तो यदि हमसे कोई भूल हो जाती है तो क्या वे हमें वंचित कर देती है? क्या हम उनकी आराधना नहीं कर सकते? गुरुदेव मुस्कुराते हुए हमसे कहते हैं, अच्छा सोचो कि एक सती माता के दो पुत्र एवं एक पुत्री है और वो देखती है कि उसका एक पुत्र उसकी पुत्री को देवी का स्थान दे रहा है एवं अपने बहन को अति प्रेम से जतन कर रहा है, सर्व विपत्ति से वो अपने बहन को बचा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका दूसरा पुत्र अपने बहन को यातना एवं पीड़ा देता है, उस पर आघात करता है, उसे कुदृष्टि से देखता है, तभी वह माता क्या करेगी? हमने यह सुनकर कहा कि ऐसा करने पर वो माता उसे दंड देगी, तत्पश्चात यदि वो न बदले तो उसे ग्रह से निकाल देगी, परंतु ऐसा नीच कार्य कोई करता है क्या? ऐसा तो कोई पुरुष सोच भी नहीं सकता। गुरुदेव हंसते हुए हमसे कहते हैं, आजकल अधिकांश पुरुष जाने अनजाने में यह करते हैं। अरे वह जगत माता है, अर्थात समस्त सृष्टि की जननी, उनके समक्ष तुम सभी संतान हो,
अर्थात तुम सभी एक प्रकार से भ्राता भगनी के संबंध में बंधे हुए हो। अथ यदि कोई पुरुष किसी नारी पे कुदृष्टि डालता है या कोई नारी किसी पुरुष पे कुदृष्टि डालती है, वे सभी माता के समक्ष समान अपराधी बन जाते हैं एवं उनके ममता एवं करुणा से वंचित हो जाते हैं। हमने गुरुदेव से पुनः प्रश्न किया, हे गुरुदेव, इस तर्क से तो पति पत्नी भी भाई बहन हो जाते हैं, पति पत्नी के संबंध में क्या यह मर्यादा भंग नहीं होती? गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहने लगे, पत्नी अर्धांगिनी होती है, अर्थात तुम्हारा आधा अंग, यह तो तुम जानते ही होगे। तो क्या तुम स्वयं को दो हिस्सों में बांट सकते हो? विवाह तो प्रेम एवं एकता का बंधन है, जिससे पुरुष एवं प्रकृति एक होते हैं एवं उन दोनों के मिलन से ही नवीन सृष्टि की रचना आरंभ होती है। ठीक जैसे निराकार एवं शक्ति के मिलाप से यह संपूर्ण सृष्टि आरंभ हुआ था, वैसे ही पुरुष निराकार है एवं नारी है शक्ति। नारी के बिना पुरुष असंपूर्ण रहता है, उद्देश्यहीन, कार्यहीन एवं शक्तिहीन। निराकार रूपी पुरुष कार्य करता है शक्ति प्राप्ति के लिए। यह संपूर्ण सृष्टि नारी रूपी आद्या शक्ति के कारण ही संचालित हो रहा है, इसीलिए वैदिक संस्कृति में हम नारी को देवी का पद देते हैं। नारी के प्रति मन में लालसा एवं लोभ को लेकर माता की आराधना करना असंभव है, कारण जिस मातृशक्ति की तुम आराधना कर रहे हो वो भी एक नारी है। अथ नारी को आदर करना सीखो, नारी को सम्मान करना सीखो, मर्यादित एवं पुरुषोत्तम बनो। जीवन में सफलता एवं अध्यात्म में उत्तीर्ण होने के लिए यह अति आवश्यक गुण होता है, यही तो प्राचीन वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है। वैसे तो गुरुदेव के यह सकल दुर्लभ ज्ञान को हम वेदविक में प्रदर्शित करते हैं, परंतु इन तथ्यों को पूर्ण रूप से समझाने एवं समझने में वर्षों लग जाएंगे। इसी कारणवश हम वेदविक गुरुकुल का निर्माण करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं ज्ञान के इस धरा को बनाए रखने के लिए आप सभी का समर्थन हमें प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही, हम अति शीघ्र मिलेंगे एक नवीनतम प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए ओम तत्सत।